बहुत ही मजा आया। आशुतोष कुमार जी ने करवाया था
मैनेजमेंट से लेकर कॉस्ट्यूम से लेकर बहुत ऑसम कर रखा है उन लोगों ने। मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ आशुतोष को। और ये जो मैंने पहना है ये ओढ़नी ब्रांड का है, तो मुझे ये कॉस्ट्यूम भी बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। संजीवन फाउंडेशन की तरफ से नीना के लिए जोरदार ताली हो जाए यार। क्या बोले तारीख, सलाम करता हूँ मैं आपसे, जरूर सीखूंगा। और देखिए और भी दो सूरमास हमारे बीच में आ चुके हैं वॉक करने के लिए। और मैं क्या देख रहा हूँ यहाँ पर, सिर्फ आपके दीवाने नहीं आते। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच संजय सर के लिए जोरदार ताली हो जाए, दो सर के लिए जोरदार ताली हो जाए। सारा कुछ धमाल कर रहे हैं, कमाल कर रहे हैं, बेमिसाल कर रहे हैं। ऐसा बनो, ऐसा सशक्त रहो, बिकॉज मिस्टर सुनील क्रिएटिव डिजाइनर तालियां नहीं रुकनी चाहिए, भी की जा रही है। ये वो है जो पूरी रात जगे रहते हैं। इसके बाद नन्हे मुन्ने बच्चों का भी कहते हैं, अगर जीवन में किसी से सीखना है तो जाने क्यों अछूत मैं, आर्यव्रत को जीत ले ऐसा सूत पूत। मिस्टर जय, तो प्लीज अब नन्हे मुन्ने बच्चे भी हमारा इंतजार कर रहे हैं, नन्हे मुन्ने बच्चे भी अब हमारे बीच। लेकिन आप लोग झूठे मत क्या दिख ले,
साथ धोखा किया है जैसे एंजल प्रिया ने किया था, तो तालियां हो जाए। प्लीज वेलकम आशीष।
बाकी राम Shivangi Parmar and my brand name is Shivamar Creation. I'm from Mumbai and आप लोगों ने तो मेरा collection वैसे भी देखा है और ये हमारे models हैं already wear किया है उन्होंने हमारा collection तो ना पूछ सकते और कुछ हाँ मैंने shows किए हैं काफ़ी shows किए हैं मैं 2 साल से fashion shows कर रही हूँ अभी count तो नहीं किया है लेकिन काफ़ी सारे किए हैं all India fashion shows करती हूँ मैं अभी next मेरा November में मेरा खुद का fashion show है गोवा में अभी आप पूछिए आज का तो बहुत अच्छा था इंडियन आर्मी के साथ था तो हमारे यहाँ गणपति चल रहा फिर भी वो छोड़ के मैं इधर आई हूँ क्योंकि इंडियन आर्मी का शो था तो मुझे आना ही था और बहुत अच्छा शो गया है बहुत ही प्यारा सिंपल सा बहुत अच्छा शो था आशुतोष जी को तो बहुत बड़ा थैंक यू सिर्फ उनके लिए मैं आई हूँ और वो आज के टाइम में मेरे फैमिली मेम्बर जैसे हैं बहुत अच्छा कनेक्शन हुआ है उनके साथ मेरा उन्होंने मेरा हर एक चीज़ मतलब पूरा एक एक चीज़ उन्होंने बहुत परफेक्टली वेलकम से लेकर शो से लेकर एवरीथिंग उन्होंने बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया उनका शो बहुत अच्छा था सब कुछ बहुत अच्छा था थैंक यू सो मच मेरा नाम राजवीर सिंह ठाकुर है और मैं शिवमार क्रिएशन ब्रांड के साथ 2 साल से जुड़ा हुआ हूँ ऑल इंडिया शोज़ करते हैं हम लोग ये सारे हमारे आउटफिट हैं सारे हमारे कलेक्शंस हैं जो आप देख रहे हो एक्सपीरियंस माइंड ब्लोइंग था आशुतोष सर ने सारे अरेंजमेंट्स बहुत अच्छे किए हैं टोटली लाइक किया हमने शो भी आउटस्टैंडिंग था आशुतोष सर को थैंक्स है मेरा नाम डॉक्टर सुनीता है और मैं बॉम्बे से हूँ मैं पेशे से एक मॉडल हूँ और डेंटिस्ट हूँ और आज मैंने आज जो क्रिएशन मैंने जो पहना है वो शिव हमारा क्रिएशन है तो आज ये जो फैशन शो है ये डेडिकेटेड था हमारे इंडियन आर्मी से तो इस फैशन शो में पार्टिसिपेट करके हमें बहुत ही अच्छा फील हो रहा है एंड वी आर लकी टू बी पार्ट ऑफ यू नो एसोसिएटेड विद सच ऑर्गेनाइजर्स एंड शोज़ सो इट इज़ ब्रिलियंट शो बहुत बढ़िया था आशुतोष जी जो हैं जो शो के निर्माता हैं वो बहुत ही उन्होंने काफ़ी उमदे लेवल पे जो है काम किया है और बाकी तो बहुत बढ़िया था लाइक अभी भी आप देख सकते हैं जो शिवम क्रिएशन के जो ये हैं आउटफिट्स है वो सारे यूनिक हैं अलग अलग है अपने में ही एक अपनी स्टोरी नरेट करते हैं और हर मॉडल पे जो हमने यू नो क्रिएटिविटी दिखाई है यहाँ पे वो टोटली डिफरेंट है तो इट्स अ फैंटास्टिक इट्स अ गुड यू नो ब्रांड कॉन्सेप्ट और बहुत बढ़िया जा रहा है एंड वी होप कि हम आगे भी इस ब्रांड से और इस एसोसिएशन से जुड़े रहें थैंक यू So this is Monica Badoria. I am an anchor, runway model and a pageant groomer. So though I am an army daughter and army wife, so I thoroughly enjoy this show. And you can see I am wearing Shivangi today, these lovely colors and this white outfit. I mean, I'm just loving it, totally loved it. And thanks to Ashutosh for giving us this opportunity to be perform on that stage. And I'm really looking forward for some more fun and some more glitters in our upcoming shows. Thank you so much for your time. I'm Shilpa Borkar Ganvir from Delhi. मैं भी last year से fashion industry में हूँ और ये Indian Army का shows था. So काफ़ी excited थी और बहुत ज़्यादा proud feel कर रही हूँ इस show के लिए. और सब अरेंजमेंट एकदम शो एकदम सुपर था थैंक यू आशुतोष जी एंड डिज़ाइनर शिवांगी परमा इनको
धन्यवाद देना चाहूँगी मैं तहे दिल से। मेरा नाम दशी भटनागर है, मैं एक मॉडल हूँ और एक आर्टिस्ट हूँ और काफ़ी मैंने एल्बम्स भी करी हैं। और आज ही आशुतोष ने मुझे एज अ सेलिब्रिटी गेस्ट बुलाया था, लेकिन उन्होंने मेरे को स्पेशली काफ़ी सारे इतने सारे डिज़ाइनर्स हैं उनके साथ मुझे वॉक करने के लिए मौका मिला। और शो बहुत ऑर्गेनाइज, बहुत अच्छे से वेल ऑर्गेनाइज था, आउटफिट्स भी बहुत सारे डिज़ाइनर्स के बहुत अमेजिंग थे एंड इट वॉज़ अ वंडरफुल एक्सपीरियंस टू वर्क विद आशुतोष। थैंक यू। हेलो, दिस मी वैभव हियर। मैं 4 साल से इंडस्ट्री वर्क कर रहा हूँ बट आज का एक्सपीरियंस सच अमेजिंग था बिकॉज आशुतोष सर ने जो ऑर्गेनाइज किया इसमें बहुत ही प्यारा एटमोसफियर था। और जैसे कि हमें पता चला कि आर्मी वालों के साथ काम करके, जैसे हम जानते हैं कि टाइम की पंचुअल होती है, तो आज उसके साथ ही हमारा शो ऑलवेज डन हो चुका है। पर शो में बहुत मजा आया, एक्सपीरियंस बहुत प्यारा था क्योंकि 4 साल में हम इतने सालों से कंटिन्यूसली शोज कर रहे पर ऐसा एक्सपीरियंस नहीं था। और जैसे कि अभी आपने शिवांगी की कलेक्शन देखा और भी बहुत प्यारी प्यारी कलेक्शन थी, सो बहुत अमेजिंग माहौल था। और बड़े बड़े कर्नल्स आए हुए थे, अफसर आए थे, ऑफिसर्स आए हुए थे, उनके साथ भी हमें मिलकर के बहुत अच्छा लगा। सो ऑलवेज वी अप्रिशिएटेड आशुतोष सर कि वैसे शो ऑर्गेनाइज करते रहे और हम सभी को प्रोत्साहित करते रहे। सो थैंक यू सो मच एंड आशुतोष सर फॉर दिस अमेजिंग शो। थैंक यू गाइस, थैंक यू। हेलो, माय नेम इज आशीष वर्मा, मैं फैशन डिज़ाइनर हूँ और मैं लखनऊ से बिलोंग करता हूँ। और मैं इस शो में आया हूँ आर्मी के इन्वाइट पे और मेरा जो कलेक्शन था आज इवनिंग गाउन एंड कॉकटेल गाउन्स का था। और यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा, एक तो इन्होंने बहुत प्यार से बुलाया है और मेरे कलेक्शन की बहुत तारीफ हुई है जिसके लिए मुझे बहुत अच्छा लगा। हाय, माय नेम इज़ मेघा जैन। टुडे आई हैव अटेंडेड दिस NFS। दिस इज़ अ वंडरफुल शो। माय एक्सपीरियंस वाज ब्रिलियंट। आई हैव वर्क फॉर आशीष फकीरा, ऑल्सो फॉर शिवांगी मैम। आई एम वेरी थैंकफुल फॉर बोथ द डिज़ाइनर्स एज वेल एज द ऑर्गेनाइजर आशुतोष। थैंक यू। हाय, मेरा नेम ईशा सिंह है। मैं शिवांगी परमार मैम के साथ अराउंड बहुत से शोज़ किए हैं एंड मैं इस शो की शो स्टॉपर हूँ। मैम के डिज़ाइनर आउटफिट्स बहुत लाजवाब होते हैं एंड अगर हम आशुतोष सर की बात करें जो इवेंट को ऑर्गेनाइज़ किए हैं, काफ़ी लाजवाब तरीके से उन्होंने इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया है। बहुत बड़ा थैंक्स हम लोगों को इनवाइट करने के लिए एंड स्पेशल थैंक्स टू द आर्मी हु इज़ नॉट ओनली वर्किंग फॉर आर नेशन बट ऑल्सो गिविंग अ लॉट ऑफ टाइम टू अस। एंड उसके अपार्ट मैपल गोल्ड जहाँ पे इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ है काफ़ी अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज हुआ है। होपिंग दैट यू ऑल्सो कम ओवर हियर एंड एंजॉय द इवेंट। थैंक यू। Good evening, everybody. My name is Rahul Sharma. I'm a fashion photographer by profession, hailing from the beautiful city that I'm wearing. And I also want to thank the organizer for having me here for the event. Thank you very much. मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके, मतलब मैं बहुत हैप्पी हूँ, बहुत सेटिस्फाइड हूँ। मतलब बहुत अच्छे डिज़ाइनर्स हैं और सबकी ही वर्क करी है ऑलमोस्ट मैंने, ठीक है। और मतलब बहुत मज़ा आया है, बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। और स्पेशल थैंक यू फॉर आशुतोष सर एंड वीनू मिश्रा, थैंक यू सो मच। और मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ नेशनल फैशन वीक को लेकर एंड स्पेशल थैंक यू आशुतोष सर और वीनू मैम, थैंक यू सो मच। यहाँ पे ऑलमोस्ट मॉडल्स भी बहुत ज़्यादा अमेजिंग है एंड मेकअप आर्टिस्ट डिज़ाइनर तो सबसे ज़्यादा एंड ये आउटफिट किंगसुक सर की, थैंक यू सो मच फॉर दिस ब्यूटीफुल आउटफिट। हेलो एवरीवन, माय नेम इज
is Rinki Rajput and basically I'm an organizer, but here I'm doing a walk for so many designers. Being a Mammy Show, thank you Ashutosh for inviting me here to walk as a model. And I'm wearing this Niharika's bangle and the dress from the designer Kinshuk. Thank you so much. Enjoying a lot. मेरा नाम अनीता चौधरी है, मैं उत्तराखंड से हूँ. मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि मुझे गर्व है कि मैं भारत में पैदा हुई. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच आशुतोष जी, इतना अच्छे तरीके इन्होंने इवेंट को प्लान करा और एक वुमेंस एम्पावरमेंट में एक बहुत अच्छा इवेंट था और इतना अच्छा वेन्यू है यहाँ. तो खैर मैंने बहुत बार शोज़ करे हुए हैं तो बहुत ही लग्जरी वेन्यू है. बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आके मुझे. और बाकी मेरी जो टीम थी खुशी और बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट जो आए हुए थे लैब में से, सबका बहुत बहुत थैंक. बहुत अच्छे से काम कर रहा है सबने. एंड ये मिलिट्री वालों का शो है तो बहुत पंक्चुअल और टाइम से हुआ चीज़ें और बहुत अच्छे से सम्मानित किया गया है मुझे. तो मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है आज यहाँ पर आके. नमस्कार, मैं अनु शर्मा. आज मैं आशुतोष के प्रोग्राम में आई हूँ अपने बेटे के कि मैपल गोल्ड में रेडिसन ब्लू पश्चिम बिहार में. बहुत अच्छा, यहाँ कई तरह के डिज़ाइनर थे जिन्होंने अपने जो बच्चों को पहनने के लिए दिए डिज़ाइनर ड्रेसेस पहनी. एक से एक बढ़कर प्रोग्राम था, एक से एक बढ़कर टैलेंट दिखाया. और सिंगर्स भी आए थे जिन्होंने अपने गानों से होकर वो किया और मेरे को बहुत अच्छा लगा. और मैं भी बहुत अच्छी थी. पूरा इवेंट कैसा लगा? बहुत बहुत औसम था. यहाँ सबने आई थिंक सबने एंजॉय किया. और ये मेरे माय नेम इज प्रिया अग्रवाल और मैं DBST की मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ और साथ में मैं एक फैशन डिज़ाइनर भी हूँ. यहाँ के कलेक्शन देख के मुझे बहुत ही अच्छा लगा. कलेक्शन कुछ यूनिक था, काफ़ी अच्छे डिज़ाइनर्स आए हुए थे बॉम्बे से, केरला से, जिनकी डिज़ाइनिंग स्टाइल काफ़ी अच्छी थी, यूनिकनेस थी, जिसकी वजह से मैंने देखा कि जो डिज़ाइन का एक नया दौर आया है, नया युग आया है, उसमें काफ़ी स्टाइलिश है. पुराने फैशन्स को नए ओल्ड में परोसा गया है और काफ़ी अच्छा लगा मुझे इस फैशन शो में आके. और मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहती हूँ. थैंक यू सो मच. मैं सामर चौहान, फैशन डिज़ाइनर और आशुतोष जी ने बुलाया मुझे इस इवेंट के लिए. बहुत अच्छा लगा मुझे और उन्होंने एक ही वर्ड यूज़ किया कि कारगिल बहुत सारे और हीरोज़ को हम लोग सम्मानित कर रहे हैं.
मैंने कुछ नहीं पूछा, बहुत अच्छा था जो पूरा फैशन शो ऑर्गेनाइज किया गया था। आई थिंक सबको ही मजा आया। वो तो यहाँ की ड्रेसें थी, ड्रेसें काफ़ी अच्छी थी, काफ़ी अच्छी। मनीषा, मैं यहाँ फैशन शो में आई हूँ आपको की तरफ से वहाँ अवार्ड के लिए। यहाँ पे मुझे सब अच्छा लगा। और जो मेरे कोऑर्डिनेटर है आशुतोष जी, उन्होंने मुझे ये पूरा स्टेज प्रोवाइड करवाया, मुझे बहुत
एकदम प्रॉपर मेंटेन, आते ही पूरा एकदम लंच प्रोवाइड करवाया, देन इवनिंग में स्नैक्स एंड ऑल सब कुछ. और एक मेरा पूरा एक्सपीरियंस, मेरी ये एक टाइप से मेरे लिए जर्नी जो स्टार्टिंग में एज अ बिगिनर के लिए होती है, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और बहुत मज़ा आया. थैंक यू. थोड़ा सा आपको कैसा लगा? मेरा नाम गोस्वामी नानक चंद्रगिरी है. मैं दिल्ली गोस्वामी समाज का प्रेसिडेंट हूँ तथा आज आशुतोष जी ने जो ये बैठकों का कार्यक्रम रखा है और ये कारगिल के जो हमारे सैनिक शहीद हुए हैं उनके विषय में उनकी जो याद दिलाई है उस याद के साथ में जो एक हमें प्रेरणा मिलती है देशभक्ति की, राष्ट्रभक्ति की, उस प्रेरणा को दोबारा से जिंदा किया शहीदों को याद करा करके तथा आज के समय में जो एक आवश्यकता है कि अपने इतिहास को बार बार दोहराने के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए सांस्कृतिक प्रोग्रामों का करना अनिवार्य है और उनसे जो आने वाली हमारी पीढ़ी है उसको जो शिक्षा मिलती है उससे जो उत्साहित होते हैं उस कार्यक्रम को देखने के बाद में मैं बहुत बहुत इससे प्रभावित हूँ कि आज तो गोस्वामी ने जो ये प्रोग्राम रखा है, जो उनकी टीम ने तथा जो भी मीडिया कर्मी हैं और जो हमारे यहाँ पर आए हुए मिलिट्री के भूतपूर्व जवान और फिर मतलब फिलहाल के जो भी पदाधिकारी यहाँ पर आए हैं उनका मैं बार बार आभार व्यक्त करता हूँ. और मैं चाहता हूँ कि हमारे आने वाली पीढ़ियों को ये प्रेरणा मिले कि उनके अंदर देशभक्ति की जागना जागे और हम सब इनको सहयोग करने में कामयाब हों तथा इनसे हमारे द्वारा जो इनको प्रेरणा मिले और जो हम इनसे सीखें तथा समाज को सिखाएं, ये सब कार्यक्रम जो बहुत ही अच्छे कार्यक्रम हैं. और आज का कार्यक्रम देखने के बाद में मैं दोबारा से सभी के लिए आभार व्यक्त करता हूँ और आप सभी का थैंक्स करता हूँ. जय हिंद, जय भारत, जय भूषण. गिरवागिरी गोस्वामी निर्मोही पत्रकार और इस फैशन शो में, फैशन फैशन शो में हमें आया हुआ हूँ. हमारे साथ गोस्वामी समाज के लोग भी हैं और ये प्रोग्राम जो किया गया कारगिल की जो विधवा हैं जो शहीद हो गए हैं आदमी उनके लिए प्रोग्राम किया गया है और बहुत ही बड़े लेवल पर किया गया है. इनमें जो हमने देखा कि किस तरह से
लोगों को यहाँ पर आए हैं और किस तरह से उन्होंने अपना प्रदर्शन किया है। बच्चे भी हैं उसमें, महिलाएं भी हैं और जो बड़े बड़े अधिकारी हैं वो सब यहाँ पर आए हैं और ये जो हो रहा है सहायता के लिए हो रहा है। तो हमें ऐसे कार्यक्रम पे बहुत गर्व है और हम चाहते हैं कि इसके लिए बहुत अच्छी से लोग सहायता करें, सहयोग करें और ये और बड़े लेवल पर होना चाहिए। हमारी तरफ से शुभकामनाएं हैं और गोस्वामी समाज की तरफ से भी शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद।